गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी आज मैं जाने वाला हूँ हमारे गांव के पास में जो कचराश है वहाँ के सबसे पवित्र और सबसे फेमस जो शिव जी का धुना है वहाँ पर। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते के बीच में और यहाँ पर बीच में ये काफ़ी अच्छी एक गोल बिल्डिंग जो कि सॉरी गोल पहाड़ी है जहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर जो खाकी बाबा उनका मंदिर भी है ऊपर। तो भी हम लोग हो रहे काफ़ी देर थी इसी बीच हम लोग जा नहीं सकते लेकिन और कभी टाइम मिलेगा जरूर जाएंगे। तो फिर प्लान पहले जाते हैं निकल चुके हैं वापस कचराश के लिए और हमारे साथ में हमारे फ्रेंड लोग हैं। तो अभी एक बाइक आगे चली गई हम लोग सभी खेतने आए तो अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो रहा है कचराश। फाइनली पहुंच चुके हैं कचराश के धुने के अंदर। हम सब लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और आज मेरे पैर में काफी दर्द। यहाँ पर ना केवल शिव जी का अच्छा मंदिर है बाकी यहाँ पर काफ़ी पूजनीय जो महाराज हैं उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पर। जो बैक साइड के जितने भी पहाड़ है उनका व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रखा है और आज हो रखी मेरी तबीयत भी खराब और मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। तो जो रेस्ट रूम है उसके अंदर एंटर करने से पहले हमारे गणपति बाबा और वीर हनुमान जी की भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो मूर्ति है वो भी बनाई हुई है यहाँ पर। इस मंदिर की व्यवस्था अच्छी होने का मेन कारण है जो यहाँ के मेन महाराज जिनके अंदर में ये मंदिर आता है वो ना केवल हमारे भारत के बल्कि भारत के बाहर के भी मतलब
जो उनके जो शिष्य है, तो आउट ऑफ इंडिया के जो भी जितने भी अंग्रेज वगैरह है वो भी उनके शिष्य है। तो पिछली बार जब मैं आया था तो उन महाराज जी से मिला था मैं, तो उनके अंडर में काफ़ी शिष्य हैं जो अंग्रेज है वो उनकी सेवा करते हैं। और जो वो महाराज है जब भी कचराज के अंदर एंटर करते हैं तो उससे पहले उनकी गाड़ियों के आगे पीछे दो दो पुलिस की गाड़ी लग जाती है उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो कभी कभार ही यहाँ पर आते हैं और उनकी सिक्योरिटी यहाँ की जो भी जिस भी जिधर भी जाते हैं तो वहाँ की पुलिस का करना इम्पोर्टेंट है। दूना ऐसे मंदिर का व्यू काफ़ी अच्छा रखा है। मेरे फ्रेंड मेरे से हो चुके हैं बोर, वो बोल रहे हैं तो अपनी ही क्लिप ले रहा है, हमारे साथ में तो फोटो वगैरह नहीं ले रहा। तो गाइस अभी लेंगे फोटो वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है पीछे का, तो सभी साथी में ले रहे हैं। जो रहते हैं उनको यहाँ पर गाय भी दी हुई है और चारों तरफ काफ़ी सारे रूम भी बनाए हुए हैं, तो कितने भी लोग आए तो एक बार के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और साफ़ सफाई की तो पूरी एकदम चारों तरफ साफ़ सफाई की भी। और तो मेरे पीछे ये जो दिख रहा है मंदिर जैसा, तो यहीं पर महाराज जी आते हैं जितनी बार यहीं पर रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये रेस्ट रूम, और जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यहीं पर रुकते हैं। तो गाइस काफ़ी बड़ा पंगा जिसमें गिरा दिया और तोड़ दिया हमारे फ्रेंड लोगों ने। तो ये एक दूसरे से लड़ते लड़ते कि पहले फ़ोटो कौन खींचाएगा, तो अब सीधा ख़त्म हो गया किस्सा। तो अभी आप लोग देख सकते हो, तो ऐसे हमारे फ्रेंड फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सभी। तो अभी बार बनेगी हमारे इंस्टा रील और जितने भी वीडियो सारे। तो आज मेरे बाल भी काफ़ी बिखरे हुए हैं। निकल चुके हैं हम लोग मंदिर से बाहर, अभी करते हैं गेट बंद। पूरा काल चालना पक्का है ना सुजानगढ़। अब तो भी एक काम कर, मैं पहुँच चुके हम लोग अपने गांव छठी घाटू, और अभी हम लोग इकट्ठा हो रखे हैं सभी फ्रेंड यारों के अड्डे पर। मैं पहुंच चुका हूं घर पर और आज हम लोग काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। गाइस अभी बज चुके हैं रात के 8, और अभी खाने में बने आज दाल इडली और मिर्ची। तो भी अभी फिलहाल खाना खाते हैं और फिर जाते हैं यारों के अड्डों पर। तो अभी यारों के अड्डे से आ रहा है मेरे को कॉल, और रात के आज 8 बज चुके हैं खाने में ही। गाइज अभी खाना पीना हो चुका है और अपने दर्द को सहन करते हुए मैं जा रहा हूँ यारों के अड्डे पर। तो गाइज काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है, गिर गया था तो आज काफ़ी खतरनाक सीन हो गया था। तो मैं गिरने की वजह से मेरे पैर में पता नहीं काफ़ी दर्द हो रखा है। तो मैंने जो गर्म पार्टी वगैरह आती है वो भी सारी ट्राई कर ली है, लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो भी टेबलेट वगैरह लेकर आते हैं। और आज गया था मैं कचराज के मंदिर, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, मेरे पहले भी ब्लॉग बनाए वहाँ पर, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इतना खास नहीं बना था उस दिन, काफ़ी लेट हो रखे थे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं घर पर और अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और देखते हैं कल डीडवाना जा पाएंगे या नहीं। और मैंने अपने पैरों पर फिर से गर्म पट्टी बांध ली है और काफ़ी हो रखा है दर्द। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं न्यू ब्लॉग्स के अंदर। तो देखते हैं कल का सीन क्या रहने वाला है, डीडवाना जा पाएंगे या नहीं।